हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और भाई और बहनों, आप सभी के लिए एक और अच्छा अपडेट लेकर आ चुके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन, ये तो आप सभी को पता है कि बहुत ही लंबे टाइम से आपको पता है रोडवेज विभाग की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर की पोस्ट के लिए किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा, परंतु जो आज का अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया, 100% पक्की नौकरी किस किस भाई और बहन की रहने वाली है रोडवेज के अंदर, और ड्राइवर लिए जाएंगे, हेल्पर भी लिए जाएंगे, कंडक्टर भी लिए जाएंगे, कितने कितने पोस्टों के ऊपर कहां कहां पर लिए जाएंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। परंतु आज की जो वीडियो में जो अपना ऑफिशियल अपडेट आया, उसमें रोडवेज विभाग की भर्ती में क्या बदलाव कर दिया गया, हरियाणा के जो सीएम साहब है उन्होंने क्या बड़ा अपडेट निकाला आप सभी के लिए, किस किस को नौकरी मिलेगी, 100% पक्की नौकरी अब किसकी रह चुकी है, किसको रोडवेज के अंदर नहीं रखा जाएगा, आपको एक एक पॉइंट हम वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अगर मेरे भाई और बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। साथ में मेरे भाई गुरुवान डीसी रेट जॉब्स, आप सभी को पता है कि हरियाणा में दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई भी डीसी रेट जॉब भी पाना चाहता है, पूरे हरियाणा में किसी भी जिले से बिलोंग करता हो, अगर आपके गांव, आपके शहर, आपके जिले में कोई भी डीसी रेट जॉब आएगी, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी के सभी भाई गुरुवान, अभी तक हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। साथ में अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाकर वहां पर सभी भाई गुरुवान ऐड भी हो सकते हैं, पर अपने छोटे भाई और बहन सभी ऐड हैं। एक तो वहां पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 24 आवर जो भी अपडेट आता है वहां पर आपको सबसे पहले मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी अपडेट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है, कोई भी फीस नहीं लगती है, सारी चीजें फ्री में बताई जा रही है। सभी के सभी भाई और बहन जाके आज ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कोई भी किसी प्रकार की वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, अपडेट वहां पर मिल जाएगा। तो आइए, आज का जो रोडवेज विभाग का क्या अपडेट आया, क्या सरकार ने बदलाव किया है, किन किन पदों के ऊपर भर्ती होने वाली, आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये अपडेट आप सभी के सामने है। जरूरत थी 1140 की मंजूरी मिली है, महज वो भी 487 कंडक्टरों के। आपको पता है कि 1153-57 जो कैंडिडेट बता रहे थे कि हमें जरूरत थी 1150 जो कंडक्टर की, परंतु हमें जो महज जो मंजूरी मिली है 487 कंडक्टरों की मिली है। इसमें यह बड़ा अपडेट क्या निकल कर आएगी, कहां कहां पर कितने कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे वो तो मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या लिखा गया है, हरियाणा परिवहन विभाग के कंडक्टर के जरिए 487 कंडक्टरों की जो भर्ती है मंजूरी वित्त विभाग ने दे दी गई है। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से 1140 जो कंडक्टर की भर्ती का डिमांड सरकार को भेजा गया था, सरकार ने विभाग को डिमांड को पूरी की बजाय करने के साथ 60% जो कटौती करते हुए 487 जो कैंडिडेट है भर्ती करने के लिए परमिशन दी है। वित्त विभाग ने मोर के बाद भी यह परिवहन निगम को निर्देश दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के प्रबंधक को निर्देशक पत्र लिखा जा चुका है। पत्र में निगम के जरिए जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्तियों को कराने के लिए कहा गया है। कंडक्टर की भर्ती 6 महीने के लिए होगी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 487 जो कंडक्टर है जो अभी लगेंगे वो 6 महीने के लिए ही रखे जाएंगे। ये बात मैंने कल भी बताई थी। अगर आपको पक्की नौकरी में लगना है तो भाई और बहनों आपको अपडेट होना पड़ेगा, और जो भी अपडेट आएंगे आपको कंटिन्यू बताए जाएंगे। जो 487 जो कैंडिडेट हैं जो कंडक्टर लिए जाएंगे ये आपके 6 महीने के लिए ही रखे जाएंगे। हालांकि बाद में जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल परिवहन बेड़े में नई बसों को शामिल की गई है, 1000 से करीब बसें नई आ चुकी है। इतने ही इन बस सभी आपको जो भी अपडेट आ रहा है आपको बिल्कुल साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार के पास से बसों को चलाने के लिए ड्राइवर तो है लेकिन कंडक्टर की नहीं है, तो इस संख्या को बड़ी दिक्कत आ रही है उसको लेकर सड़कों पर नहीं आ पा रहे, इसलिए निगम के जरिए भर्ती करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले सरकार विभाग की ओर से ओवरटाइम दिया जा चुका है और परिवारों को दूरी के जो दूर जाएंगे उनका जो ओवरटाइम बनेगा वो भी सरकार देगी। परिवहन निदेशक हरियाणा कौशल रोजगार निगम को यह भर्तियों का पत्र लिख चुका है और इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि जो 487 जो कैंडिडेट लगेंगे, जो 487 जो कंडक्टर अभी भर्ती किए जाएंगे वो मात्र 6 महीने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरे भाई गुरबन कोई भी कंडक्टर का फॉर्म भरेगा तो आपको पहले बता दिया गया कि आपकी नौकरी 6 महीने की रहने वाली है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, उनके बेस के ऊपर है, उनको कितने दिन की जरूरत है वहां पर। अगर कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, कभी भी वहां पर आपकी जरूरत खत्म हुई तो आपको घर भेज दिया जाएगा। तो भाई और बहनों इससे अच्छा है अपनी परमानेंट कहीं जॉब प्राप्त कर लो, 6 महीने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कंडक्टर की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जब भी आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा, वो आपकी रहेगी।
कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो बाकी जो पोस्टें बच गई 1140 पोस्टें टोटल थी, इसमें से 487 जो पोस्टें घटाकर कुछ भी जो पोस्टें बच गई 600-700 जो पोस्टें बची हुई है उनकी भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बहुत ही जल्दी पूरी करवाई जाएगी, उन्होंने बड़ी संभावना बताई है। मैं ये चीज कहना चाहूंगा जो 487 जो कैंडिडेट है वो 10 मई के लगभग आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इनको जल्द से जल्द भर्ती पर बुला लिया जाएगा। और इसके साथ में जो बाकी कैंडिडेट है उनको भी मई के महीने में अपना कौशल रोजगार निगम के तहत फॉर्म भरना पड़ेगा और जब भी ये फॉर्म ऑनलाइन होगा तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। ड्राइवर के अपडेट आएंगे तो सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। हेल्पर के लिए किसी भी भाई और बहन ने अगर अप्रेंटिस कर रखी है रोडवेज विभाग के थ्रू तो उसको हेल्पर के लिए भी बुलाया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले सबसे फास्ट आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अभी तक जिस भी भाई और बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हरियाणा में कोई भी भर्ती आएगी किसी प्रकार की, कोई भी डीसी रेट जॉब आए, कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती आए, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी को भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ पता चल गया कि 487 जो कैंडिडेट अभी भर्ती किए जाएंगे वो मात्र 6 महीने के लिए ही भर्ती किए जाएंगे। इनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, कोई भी अपडेट आएगा सीधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हरियाणा रोडवेज से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले सबसे फास्ट चाहिए तो आपको इसी टाइप से सारे नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने को मिलेंगे। कोई भी किसी प्रकार का 24 आवर्स अपडेट आता है, किसी भी भर्ती का कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी ऑफर लेटर आता है, कोई भी फॉर्म की डेट आती है, कोई भी एक्सटेंड डेट की जा रही है तो सारे नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाते हैं। और किसी भी टाइप का कुछ भी आपको पूछना हो, किसी प्रकार का कुछ भी आपके मन में डाउट्स रहते हैं तो बिल्कुल भाई और बहनों सारे बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज किया करो। आपके छोटे भाई 24 आवर्स आपकी सपोर्ट में लगा हुआ है, जिस प्रकार से आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसी टाइप से आपका छोटा भाई भी 24 आवर्स आपकी सपोर्ट में लगा हुआ है और किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है सीधी जानकारी आपका लेकर आता है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। साथ में अगर आप दिल्ली का भर्ती पाना चाह रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर भर्ती पाना चाह रहे हैं तो वहां के थ्रू भी आपको पता है विभाग में डायरेक्ट मेरिट बेस्ड इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होते हैं। अभी भी अपना जो एयरपोर्ट है दिल्ली वाला उसके अंदर 1000 प्लस जो कैंडिडेटों की भर्ती आ रखी है। जो भी भाई और बहन एयरपोर्ट पे लगना चाह रहा है तो बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भर लेना। फॉर्म से रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, अगर किसी भाई और बहन को नहीं मिला हो तो मैं दोबारा से फिर से आप सभी को डिटेल दूंगा, पूरी जो भी डिटेल्स है पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जा रहा है। परंतु नौकरी आपको चाहिए, अपडेट आपको होना पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है सीधी जानकारी आपको पहुंचाई जा रही है। तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अपना पूरा हरियाणा हो गया, कहीं से भी कोई भी विभाग के थ्रू भर्ती आएगी सीधी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी भाई और बहन वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो जो भी आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई और बहनों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।